हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो वो दिन आ गया है, आज हम ट्रैवलिंग, वी आर ट्रैवलिंग बैक टू आवर होम। सो यस, आज हम वापस जा रहे हैं। आईमा इज ऑल रेडी, या दिस इज आईमाज यूट्यूब चैनल। सो बस चले, सुबह का टाइम है अभी 7 बजे, मैं 6 बजे से जा रही हूँ। अब बस सामान शामान वेट शेट कर लिया सारा, वो सही है। सो वी आर गोइंग होम एंड सुबह का टाइम है, फ्रोज ने चेंज करना है। फ्रोज अभी नाश्ता बना रही है, तो बस अब वो मुझे नाश्ता स्पेशली करा के निकालेगी, वरना बगैर नाश्ते के मैं जाऊंगी नहीं, है ना फो? तो ये रही मैं, हम बस इसके ऊपर कोट पहनेंगे, फिर आपका सफ़र साथ में साथ साथ रहेगा। चले, मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ कि बाहर फ्रीजिंग टेम्परेचर है और फॉग कैसे जमी हुई है सारे। ये आसमान पे क्या है, बट हर चीज़ फ्रीज हुई हुई है, ग्रास वगैरह सारी ना। ये देखे, ये सारी ऊपर जो है ना पानी जमा हुआ है। ओह माय गॉड, फ्रीजिंग। चले हम निकले। सुबह सुबह का टाइम है, यू कैन सी सारी वो जो ग्रास के ऊपर वो जो हल्का सा पानी नहीं होता वो बना हुआ है, बर्फ़ बनी हुई है, आप देख सकते हैं। और बस अब हम अभी निकलने वाले हैं, कनाडा को बाय करते हैं और फिर इंशाल्लाह दोबारा जब भी मौका मिलता है, यस आएंगे इंशाल्लाह वापस। तो ये हम ब्रिज क्रॉस कर रहे हैं सारनिया का। यहाँ पर कभी कभी हम सारनिया पे, ब्लू वाटर ब्रिज है यहाँ पे, हम लोग 1 जुलाई कभी कभी मनाने आया करते थे। बड़े अच्छे फायरवर्क्स वगैरह यहाँ पे नीचे होते हैं, सो ब्यूटीफुल। सो हम बॉर्डर क्रॉस करने वाले हैं खैरियत से इंशाल्लाह ताला। Continue straight to stay on Blue Water Bridge West. Continue for 123 kilometers. So hum log almost Detroit pahunch chuke hain, bus airport jo hai 15 minutes ki drive par hai, to bas chal ke wahan pe apne boarding cards wagaira aur wagaira le kaam karwaye check in, aur uske baad jo hai देखें फ्लाइट इंशाल्लाह खैर खैरियत से गर्मी में पहुंचे। समझ नहीं आ रही कि वहाँ पे एयरपोर्ट पे क्या लग रहे होंगे अफरोज जब हम कोर्ट से उतरेंगे, तो लेकिन कोर्ट ही एयरपोर्ट पे फेंक दिया बंदा। बट बहुत इंजॉय किया मैंने आप लोगों के साथ भी। आई होप आपको मेरी कनाडा की वीडियोस अच्छी लगी हों। बाकी आयमा पीछे सो रही है, वो अपनी नींद पूरी कर रही हैं, अब एयरपोर्ट आएगा तो इनको उठाएंगे। तो हम आ चुके हैं, अफरोज सामान निकाल रही है। चले, इसको स्ट्रेट ले चलो, ऐसे करो। हाँ, स्ट्रेट ज़्यादा इजी होगा, जैसे मानू ने उठाया हुआ। मैं कर दूँ या तुम चला रही हो? चलो आज यू जल्दी आ जाए। या ये डेट्रॉइट का मुझे एक अच्छी चीज़ लगी, शहर जैसा भी हो इनका एयरपोर्ट जो है इट्स क्लीन एंड न्यू एज कम्पेयर टू ऑरलैंडो। ऑरलैंडो आपका एयरपोर्ट पहना ऐसा है, ऐसा लगता है आप 80s में चल रहे हैं, तो ये उस लिहाज से बेहतर है। चले, हमने चेक इन कर लिया है अपना बैग को, नाउ वी आर गोइंग टूवर्ड्स गेट। बस मैं अफरोज को बाय बाय कर लूँ, ये अफरोज है, तस्वीर खिंचवा लें और बाबाई करें एक दफ़ा। चलो तस्वीर खिंचवानी है, चलो तस्वीर खींच लें और उसके बाद फिर जो है वी विल से बाय बाय। फिर कहेंगे लोग अब मिले नहीं आप पहने हो कैसे पहनो यार, कैसी पहने मिली नहीं। फिर हम अंदर गेट्स पे चलते हैं। चलो अमान बेटा मेरी जान, अपना ख्याल। ओके
तो हम अंदर आ चुके हैं, सारे सिक्योरिटी चेक सारा कुछ करके, तो वी आर एट गेट वहाँ पे ऑरलैंडो में ना एक इसके साथ सीन हुआ, वहाँ पर उन्होंने डॉग स्कैनिंग शुरू कर दी है एंड शी हैड नो कॉन्सेप्ट. उन्होंने कहा था कुछ ट्रैक था वहाँ पे, डॉग आपको स्कैन करता है बट यू हैव टू कीप मूविंग, यू कैन नॉट स्टॉप. वो बार बार ये कह रहे थे बट जैसे ही मैं उस ट्रैक पे आई ना, आयमा का हाथ पकड़ के टू दो दो के साथ चला रहे थे. आयमा ने कुत्ता जैसे उसे करवाया उसे छलांग मारी मेरी इस तरफ और वो स्टॉप हो गई. वो स्टॉप हुई तो सीधी सी बात है मैं भी स्टॉप हो गई. ये हमारी ऑरलैंडो की फ्लाइट यहाँ पर है. तो बस वो फिर बड़ी नाराज हुई आयमा. आयमा को बड़ा गुस्सा है. आयमा वी कैन हैव सम मैकडॉनल्ड्स बिकॉज़ वी हैव टाइम. मैं कोई फ्रैप वगैरह ले लूँ, नाश्ता कर लूँ और उसके बाद जो है ऑफ कोर्स यू कैन. आई विल पुट योर जैकेट इन माय या आई विल. चले भाई कुछ मैकडॉनल्ड्स से ले लें कुछ खाने पीने को और उसके बाद देखें. अभी इस टाइम हम मैकडॉनल्ड पे आए हुए हैं, नाश्ता कर रहे हैं. आयमा बैठी हुई हैं, आयमा नाश्ते में भी स्प्राइट पी रही हैं जो कि बहुत गलत बात है, पीनी नहीं चाहिए बट वो पी रही हैं. सो हमने सिनेमन रोल लिया हुआ है और साथ में हम कॉफ़ी. कॉफ़ी इज़ बैड फॉर यू, इट्स बेटर देन स्प्राइट. हाउ मच फॉर यू? सेवन बाइट. Nope. Please. No. If I would say C, I would stroll. ये मेरा ख्याल में खड़ा हुआ है हमारा एरोप्लेन. बस अब थोड़ी देर में मेरे ख्याल में बोर्डिंग शुरू हो जाएगी. You can see लोग तो अच्छे खासे इकट्ठे हुए हैं. मैंने बहुत ही अच्छा डिसीजन लिया आने का क्योंकि मैं फ्रेश हो गई. Look at me. Cute. You are cute, Emma. We're going home. Are you excited to meet Papa? Yes. Cheers. I love Papa. But मैंने बहुत बहुत अच्छा डिसीजन लिया. मैंने बहुत इन्जॉय किया. वेदर वॉज सो गुड, स्पेशली वो एक्सट्रीम जब मैं आई थी उस टाइम बहुत सर्दी थी, बीच में वेदर बहुत अच्छा हो गया था. तो मेरा हफ्ता तो बहुत ही अच्छा गुजरा, मतलब मुझे बहुत मजा आया. अब एटलीस्ट ये कि मैं 3-4 महीने अपनी बहनों के बगैर गुजारा कर लूँगी और उसके बाद फिर दोबारा से क्रेविंग होगी. फिर कुछ करते हैं यार, सिस्टर्स का वो रखते हैं. ओके Emma is here. हम आ चुके हैं अंदर. Random strangers gonna sit next to me. That's bad. That's okay. Mommy is here. She so will protect me from the random strangers trying to kidnap me. Nobody's gonna kidnap. ये है कि हम जहाज में आ चुके हैं and hopefully ये है कि अब हमारा जो है thanks God हमें बहुत पीछे जगह नहीं मिली, center में मिली है, so it's fine. अच्छा है and that's all. Because I want to see the view. Maybe. Yes. Fine spirit. Hope you all have a wonderful afternoon. So land kar chuke hain hum. Ab ye hai ki bas thodi si der mein ye sare uthna shuru ho jayenge. पहुंच चुके हैं अब बाहर निकले हैं तो बस फिर घर की करें. सुबह से 6 बजे से मैं जाग रही हूँ 6 बजे बट सफ़र बहुत कंफर्टेबल था. ये कहते 2 hours and 42 minutes से ये 2 घंटे में पहुंचा देते हैं. सो हम आ चुके हैं अपनी 90s 80s के एयरपोर्ट में. दुनिया ने कहीं आगे चले जाना है, हमारे ऑरलैंडो ने अभी 80s से निकलना नहीं है. कारपेट चेक करें, ऐसा लगता है ना 80s के ज़माने का कारपेट है. चलो यहाँ पे चलो. यही चलें जी, यहीं से तो वापस आए थे, यहीं से वापस जा रहे हैं जी. अब वहाँ का एयरपोर्ट खाली लगा हुआ था, यहाँ पे तिल भरने की जगह नहीं है, बैठने की जगह नहीं है. और मेनली अभी थैंक्स गिविंग की वेकेशन हुई है तो उस वजह से चले आ गए. अब आ रही है, देखिए कौन सी आ रही है, शटल ले आए.
जाएं। We're glad that you were here and hope that you enjoyed Mando. Floating? Which one? ये अपने पापा से मिल गई है, पापा की चमची जो है ना। अच्छा वहाँ पे थी, जा रही थी तो ये कह रही थी कि मैं बड़ी एक्साइटेड हूँ, मैं ये है मेरा वो है, और जब आ रही है तो कह रही है बस मेरे तो ज़िंदगी के साथ जुल्म हो गया भाई, मैं अपने पापा के बगैर नहीं रह सकती। लुक एट दिस इज़ गॉड। हेलो बिलाल, कैसे हैं आप? सलाम कर ले, फिर लोग कहेंगे सलाम नहीं करते ये लोग, गालियाँ देने में तो लोग सबसे आ गए ना। आई थिंक बैग पहुँच गए हम आखिरकार, फाइनली बैग नहीं आ रहा, हम पहुँच गए। कब से खड़ी हुई हूँ वेटिंग, इस वाले तो है। इस पे ही आना है ना, यही है 100%, यही है यही है यही है। आ जाओ एमा, कम You missed papa? अभी पहुंची नहीं हूँ और घर के काम शुरू हो गए हैं, मतलब अभी लैंड किया है और आके मैंने कहा आए हुए हैं तो देसी ग्रोसरी कर लें, खाना पिक कर लें और फिर घर जाएं, क्योंकि बेटे मेरे उनका क्रिकेट मैच था तो वो उनकी माँ से ज्यादा उनको क्रिकेट मैच ज्यादा इम्पोर्टेंट था। माँ नहीं था, तुम लोगों को तो मैं आके ठीक करती हूँ, घर तो पहुँचने दो, तो वो क्रिकेट मैच में चले गए और मेरे मियाँ साहब अकेले मुझे लेने आ गए। बट अल्हम्दुलिल्लाह सारा सफ़र हो गया, हमारी गर्ल्स ट्रिप जो थी वो ख़त्म हो गई, माशाल्लाह फिनिश हो गई खैरियत से अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत मज़ा आया, वी हैड सो मच फन। तो बस अभी हम देसी ग्रॉसरी करेंगे, अब उसका व्लॉग अभी नहीं डालूंगी, नहीं मेरे में हिम्मत है, बट मैंने कहा कि मैं आऊं। Hey guys, yeah. Please subscribe. We need 9,000 subscribers. Yeah. Like, follow and subscribe to our channel. And कल बिलाल की बर्थडे थी, सो हैप्पी बर्थडे टू माई Dearest husband. And happy birthday to me, because it's actually, it's both our birthday, because he loves me. Le. Nab. Chale bhi. Hum khatam karte hain. Say happy birthday to me. Happy birthday to Aima. Iski birthday sabke saath hoti hai, pura temper ke saath. Padosiyon mein bhi kisi ki birthday hogi, to bhi iski birthday hoti hai. Chale ji, apna khayal rakhiye.